Hello students, now we are going to read the 9th chapter of class 5th from SST book. So guys, now let's begin. The chapter name is Democratic Form of Government. So basically guys, the chapter ki baat karein to chapter ka hindi mein matlab hai sarkar ka prajatantrik swaroop. Is chapter mein hum padhenge ki sarkar kaise banti hai, prajatantra mein democratic sarkar kaise run karti hai aur kaise hoti hai actual mein democracy. So now guys, let's begin the basic features of a democratic government. तो प्रजातांत्रिक सरकार के जो मेन फीचर्स होते हैं, मतलब जो शुरुआती उनके बारे में हम जानते हैं. अ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल. डेमोक्रेसी क्या है कि एक वो स्वरूप है, मतलब स्वतंत्र स्वरूप है जिसमें कि इलेक्शन होते हैं और जो बिल्कुल फेयर होते हैं, मतलब जिसमें किसी प्रकार की चीटिंग ना की जाए और फेयर ही हो सबके लिए, ठीक है. और एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब अंतराल के समय पे, एक निश्चित अंतराल के समय के बाद ये इलेक्शन कराए जाते हैं. तो इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. हर डेमोक्रेसी में, मतलब डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक को ये अधिकार होता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुने. ई सिटीजन्स वोट इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी. द सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन फॉर एनी पोजिशन इन द गवर्नमेंट. हर नागरिक को डेमोक्रेसी में अधिकार होता है और सबकी बराबर वैल्यू होती है. ऐसा नहीं है जो पैसे वाले या रसूख है जिनका उनका ज्यादा महत्व, ऐसा कुछ नहीं. सभी बराबर के होते हैं प्रजातंत्र में. और डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, मतलब एज अ वो इलेक्शन कैंडिडेट बनना चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है, ठीक है. गवर्नमेंट का अगर पार्ट बनना चाहता है तो इलेक्शन में पार्ट लेकर बन सकता है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द राइट्स एंड द लॉ सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इसके मेंबर होते हैं डेमोक्रेटिक, अगर हम बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं, मतलब भाई ये एक प्रोसेस से होके बनते हैं, मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू ये चुने जाते हैं. और ये जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके जो नियम है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मतलब उसके विरोध में नहीं, उसके परे नहीं जा सकते, तो उसी के दायरे में रह के काम करना पड़ता है इनको. आगे बढ़ते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन इन द डेमोक्रेसी. तो हमारी, मतलब आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन इन द डेमोक्रेसी इज टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो गवर्नमेंट बनाए और उसको हम अपना वोट इलेक्ट करके, मतलब हम उसको वोट देंगे तब हम उसको चुनेंगे, हम कुछ सिलेक्ट करेंगे उसको वोटिंग पावर से. अ सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स एंड ड्यूटीज एज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर नागरिक को अपनी ड्यूटी और अपने अधिकार पता होने, मतलब पता होना चाहिए जो भी संविधान के अकॉर्डिंग बने हुए, मतलब दिए हुए, मिले हुए हैं. अ सिटीजन मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री. एक आदमी को, मतलब जो नियम कायदे कानून है देश के, वो सारे फॉलो जरूर करने चाहिए, वो करने चाहिए. अ सिटीजन मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना आवश्यक होता है हर सिटीजन का. अ सिटीजन शुड पे द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट ने टैक्स के जो नियम बनाए हैं उनको भी पे करना जरूरी है हर सिटीजन के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. द इलेक्शन प्रोसेस, मतलब इलेक्शन प्रोसेस की, इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रोसेस क्या है इसका. एज यू हैव लर्न द इलेक्शंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. दे आर कंडक्टेड एट द रेगुलर इंटरवल. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म टू कंडक्ट द इलेक्शन स्मूथली. इलेक्शन इन इंडिया इज कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वे. देखिए, पहले आप जान चुके हैं कि ठीक इलेक्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों जरूरी है. डेमोक्रेसी की बात करें तो ये एक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब प्रजा का, इसमें प्रजा की जो भागीदारी है वो बड़ी आवश्यक है, मतलब जरूरी है. उसी के बेस पे सरकार बनती है और सरकार फिर काम करती है. तो इसको बनना, मतलब इलेक्शन को कराने के लिए एक कमीशन बनाया हुआ है जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं. वो एक निश्चित अंतराल के बाद इंडिया के अंदर जितने भी तरह के इलेक्शन होते हैं वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है उनको कराना, ठीक है ना. तो कुछ खास मैनर है, कुछ तरीके हैं जिनमें वो इलेक्शन कराए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. द इलेक्शन कमीशन फाइनलाइज द डेट फॉर द इलेक्शन. द वोटर्स लिस्ट फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी इज प्रिपेयर्ड. पहले क्या करती है इलेक्शन कमीशन, वो डेट फाइनलाइज करती है कि इलेक्शन कब होनी है. उसके बाद वो
सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, उन वोटर्स की लिस्ट तैयार करती है कि वोटर कौन कौन है और जो वोट देने वाले लोग हैं। इन द मीन टाइम कैंडिडेट्स रनिंग फॉर द इलेक्शन और फाइल देयर नॉमिनेशन एट द स्टार्ट कैंपेन। उसी समय जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, मतलब जो खड़े होना चाहते हैं इलेक्शन में, अपना अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो वो अपना फाइल, मतलब वो फाइल फिल कर सकते हैं, फॉर्म जो होती है प्रोसेस वो फिल कर सकते हैं और अपनी कैंपेनिंग शुरू कर सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन सेटअप पोलिंग बूथ अक्रॉस द कंट्री। बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर प्रोवाइडेड एट ईच पोलिंग बूथ। दे आर यूज बाई द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट। वोटिंग इज डन इन द प्राइवेसी ऑफ द पोलिंग। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पोलिंग बूथ सेट करता है जहाँ पे जाके लोग वोट डालते हैं, पूरे इंडिया में हर जगह करते हैं। कहीं पे बैलेट पेपर से वोट कराए जाते हैं, कहीं पे वोटिंग मशीन भेजी जाती है, ठीक है ना। तो जो जहाँ पे ये वोट होते हैं उसको पोलिंग बूथ बोलते हैं, पोलिंग बूथ, हम सॉरी, ठीक है। तो ये जो मशीन है, ये बैलेट पेपर है, ये वोटर्स जाते हैं और पहुंचते हैं, अपना वोट डालते हैं और ये पूरी प्राइवेसी के साथ होता है। मतलब अगर मैं वोट डाला हूं तो दूसरा कोई देख नहीं सकता, इतनी मतलब प्राइवेसी होती है। वंस वोटिंग इज कंप्लीटेड द इलेक्शन कमीशन काउंट द वोट एंड डिक्लेयर्स द रिजल्ट। द कैंडिडेट्स विद द मैक्सिमम वोट गेट इलेक्टेड। इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन बिकम द मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड दोज विद द मेजोरिटी वोट्स आर कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब एक बार इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पूरे के पूरे वोटिंग सब खत्म हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वोटों की काउंटिंग शुरू करती है और काउंटिंग शुरू करने के बाद जिसके भी ज्यादा वोट होते हैं तो विनर उसको डिक्लेयर करती है, बताती है कि ये रिजल्ट रहा है और ये जीते हैं इतने वोटों से। इसके बाद क्या होता है, जो वो लोग हैं जो इलेक्शन जीते हैं वो पार्लियामेंट के सदस्य बनते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको ऑफर करते हैं सरकार बनाने के लिए, वो उनको ऑफर देते हैं। फिर आगे क्या होता है, एक तरह का प्रस्ताव होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट के द्वारा जीतने वाले कैंडिडेटों को भेजा जाता है सरकार द्वारा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इट इज द इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। देखिए इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इसकी पोजीशन सबसे हाई है, मतलब सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि तीन फॉर्म होती हैं जो नियम कायदे कानून बनाती हैं देश को चलाने के लिए, ये सब संवैधानिक दायरे में होते हैं। तीन फॉर्म कौन से होते हैं, सबसे बड़े जो फॉर्म है, मतलब सबसे जो पहला पार्ट है वो है प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी पार्ट है वो है पहला प्रेसिडेंट, उसके बाद आती है लोकसभा, फिर आती है राज्यसभा। वैसे राज्यसभा जो है लोकसभा से बड़ी होती है। तो चलिए आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। द प्रेसिडेंट इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज हिज और हर ड्यूटी टू एंश्योर दैट द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट है उसके जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों हाउस में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन इसका फिर भी संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं इंडिया का। उनकी ये ड्यूटी होती है कि जो भी पार्लियामेंट में लॉज बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके, संवैधानिक दायरे में आके, जितने भी नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको पास करना। लोकसभा, लोअर हाउस। It is also known as the House of the People. It represents the people of India as a whole. The maximum number of the member in the Lok Sabha is 552. A person must be 25 of the age or above to be member of the Lok Sabha. The member of the Lok Sabha are elected directly by the people of India. Lok Sabha को हम lower house भी कहते हैं, ठीक है ना? इसके जो member होते हैं, इसके जो representatives होते हैं, उनको MP कहा जाता है और इसमें 552 सीटें होती हैं। ठीक है ना, लोकसभा में। और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, पहले आपको वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना होगा, उसके लिए आपकी जो एज है
वो 25 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आप 25 के तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना, और इससे बड़े। तो जैसे कि मैंने बताया वोटिंग प्रोसेस से आप इसको मतलब इसका हिस्सा बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दो सीटें जो होती हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए होती हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और इसके अलावा 12 सीट और होती हैं जिनको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं खुद ही। आगे राज्यसभा, अपर हाउस, इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द राज्यसभा इज 250। अ पर्सन मस्ट बी 30 इयर्स ऑफ द एज और अबव द बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। द राज्यसभा मेंबर्स आर चूजन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। इट हैज 12 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए राज्यसभा जो है उसे अपर हाउस बोलते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 250 सदस्य होते हैं जिनको कि जो स्टेट्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एमएलए बोलते हैं, और एमएलसी वो चुनते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनके सदस्यों को वो चुनते हैं। और इसकी एज मतलब एक मतलब सदस्य की जो एज की बात करें वो 30 ईयर्स तो मिनिमम होनी ही चाहिए और इससे अबव होनी चाहिए। अच्छा मैंने आपको भी बताया था कि लोकसभा में 12 मेंबर चूज किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी वो गलती से वो राज्यसभा में चूज किए जाते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। वो राज्यसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनको चुनते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या हमने पढ़ा, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया प्रजातंत्रिक सरकार यहाँ पे। दूसरा है इन द डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, हर आदमी को समान अधिकार होता है वोट करने का। कैंडिडेट्स इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शन बिकम द मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स एक सामान्य इलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं जिसके बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी पोजीशन जो हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्यूपाई करती है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। 3 इसके सेक्शन होते हैं जिसमें सबसे बड़े प्रेसिडेंट, दूसरा जो है वो लोकसभा, तीसरा जो है राज्यसभा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया, थैंक यू।